आज का हमारा टॉपिक है सैयद मोहम्मद मोहसिन। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन एक अफसाना निगार हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन का तारुफ, यानी तारुफ कहते हैं परिचय को। तो हम यानी इसको परिचय करवाएंगे, हम पहचान करवाएंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन कौन है। तो इनके तारुफ में पहली बात हम जो करेंगे वो करेंगे पैदाइश के बारे में। पैदाइश एक में है, पैदाइश है ना। तो पैदाइश में हम क्या लिखें कि सैयद मोहम्मद रशीद के बेटे सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई सन 1910 ईस्वी को पटना में हुई। ये इनकी पैदाइश है। नंबर दो में है तालीम, है ना। अब इनका हम पढ़ेंगे तालीम। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन ने तालीम हासिल की है। सबसे पहले राम मोहन राय सेमिनरी, एक हाई स्कूल है पटना में, उनसे इन्होंने तालीम हासिल की। वहीं से 1926 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद पटना कॉलेज चले गए। पटना कॉलेज में उन्होंने आईए का एग्ज़ाम 1928 में पास किया। फिर पटना कॉलेज ही से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया। फिर उसके बाद इन्होंने वहीं पर एमए फर्स्ट क्लास से पास किया है। 1926 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान राम मोहन राय सेमिनरी हाई स्कूल पटना से पास किया, ठीक है, 1926 ईस्वी में। फिर इसके बाद 1928 ईस्वी में आई ए मतलब इंटर का इम्तिहान 1928 में आईए पास किया, पटना कॉलेज से, ठीक है। पटना कॉलेज से 1928 में आईए का इम्तिहान पास किया। फिर सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मजीद तालीम जारी रखी। यहीं से आईए किया, यहीं से बीए किया और फिर यहीं से एमए नफ्सियात किया, ठीक है। एमए नफ्सियात, नफ्सियात कहते हैं साइकोलॉजी को। नफ्सियात से डिग्री हासिल की। नफ्सियात में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन के तारुफ में हम अभी तक दो बातें कर चुके हैं। पहली बात तो हम की है कि उनकी पैदाइश, और दूसरी बात की है उनकी तालीम। तालीम से हमको कुछ प्रश्न यानी सवालात पूछे जाते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया, है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि इन्होंने किया है राम मोहन राय सेमिनरी, यानी इसको इंग्लिश में लिखते हैं राम मोहन रॉय सेमिनरी,
ठीक है, ये है पटना में, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस सब्जेक्ट से एमए किया, किस सब्जेक्ट से एमए किया, तो इन्होंने एमए किया है नफ्सियात से। सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में तीसरी बात यह है कि खिदमात, सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज में 1938 ईस्वी में शोबे फलसफा में आरजी लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए, फिर पटना यूनिवर्सिटी में सन 1948 ईस्वी में शोबे नफ्सियात के मुस्तकिल लेक्चरर के तौर पर बहाल हुए। वो 1953 ईस्वी में सदर शोबे नफ्सियात के ओहदे पर फायज हुए और 1974 ईस्वी में मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। सदर शोबा कहते हैं, सदर कहते हैं हेड को, ठीक है, सदर हेड HEAD हेड, शोबा कहते हैं डिपार्टमेंट को, किसको, डिपार्टमेंट को, और नफ्सियात कहते हैं साइकोलॉजी को, और सदर शोबा का मतलब हुआ कि HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बात समझ में आई। तो वो साइकोलॉजी के HOD बन गए थे और HOD रहते हुए 1974 में इसी ओहदे से पटना यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए। अब इससे सवाल हमसे क्या पूछा जाएगा, सवाल हमसे पूछा जाएगा कि सदर शोबा कब बने, ठीक है, सदर शोबा कब बने, तो सदर शोबा बने हैं 1953 ईस्वी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये नफ्सियात के लेक्चरर बने और दूसरा किसके बने थे, फलसफे के लेक्चरर बने थे, है ना। तो फलसफा के लेक्चर कॉलेज में क्या पढ़ाते थे, तो फलसफा पढ़ाते थे पटना में, और फिर पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात पढ़ाते थे। ये अपने तदरीस के दौरान सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अफसाने लिखे, सैयद मोहम्मद मोहसिन एक बेहतरीन अफसाना निगार हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक ख़ास मौजू था, यानी उनका ख़ास मौजू नफ्सियात था। उनके अफसानों का
एक मजमुआ, मजमुआ कई अफसाने उसमें जमा हैं, अफसानों का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट। है जिसके बगैर उर्दू अफसाने की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की किस किताब के बगैर उर्दू तारीख, उर्दू अफसाने की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, तो वो किताब है अनोखी मुस्कुराहट। अगर हमसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू क्या था, तो वो है नफ्सियात। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की खिदमत में चंद किताबें हैं, तो वो हम किताबों के नाम लिखते हैं चंद किताबें। वो किताबें कौन कौन सी हैं? नंबर एक अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है। नंबर दो नफ्सियाती जाविये। नंबर तीन जख्म के फूल। तो इसके सामने लिख लीजिए आप अफसानवी मजमुआ, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ, इसके सामने शेरी मजमुआ। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जख्म के फूल किनका शेरी मजमुआ है। इनका तारुफ कराते हुए हम पहुंच गए हैं चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट है वफात। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई, ये वाला। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात, मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी को दिल्ली में हुई। अब हमसे क्वेश्चन तो यही पूछेगा कब हुई, 2002 ईस्वी में, कहाँ हुई, दिल्ली में। इलाज कराने गए थे दिल्ली, तो वहाँ पर इनकी वफात हुई। अब मोटे तौर पर हम सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जानते हैं, जो जो हमको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में वो बातें डिस्कस करते हैं। तो ये वाला लाइन लिखोगे, लिख लो फटाक से, कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के एक अहम अफसाना निगारों में होता है। किसमें? अफसाना निगारों में होता है। दूसरी बात हमको ये याद रखनी है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू नफ्सियात था। क्या? ख़ास मौजू नफ्सियात था। तीसरी बात सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में कि इनकी पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई और वफात 2002 ईस्वी में हुई है, ठीक है। पैदाइश इनकी पटना में हुई और वफात दिल्ली में हुई। चौथी बात अनोखी मुस्कुराहट। अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। इसी तरह से पांचवी बात हमको याद रखनी है, राम मोहन राय से इन्होंने क्या किया, मैट्रिक पास किया, ठीक है। उसके बाद छठी बात आला तालीमी डिग्री, तालीमी डिग्री MA है। सातवीं बात इनके बारे में हमको याद रखनी है, वो ये पटना कॉलेज में आरजी फलसफे के लेक्चरर बने। और आठवीं बात हमको याद रखनी है इनके बारे में, वो ये कि पटना यूनिवर्सिटी सिटी से 1974 में सदर शोभा नफ्सियात, यही ना,
से सुबुक दोष हुए। आठ बातें सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में याद रखनी है ताकि हम अपने एग्जाम को सही से दे सकें।